नम बेंगलुरु आज की डेट ऑफ जर्नी 7th December। आपको टाइम बता दूं कुछ 8 o'clock और भूल गया, देख ले पहला लिंक है ना, भूल गया। नम्मा बेंगलुरु आज की डेट ऑफ जर्नी 7th December। करंट टाइम कुछ 8 o'clock। लोकेशन आपको बता दूँ, दिस इज़ आनंद राव सर्कल, राइट अपोजिट गणेश टेम्पल। और फाइनली 3 महीने बाद अब मैं इंडिया में करने जा रहा हूँ बस जर्नीज। अगर आपको याद हो मैं गया था इंग्लैंड, मैंने आपको वहाँ की इंटरनेशनल बस जर्नीज दिखाई थी। अगर आपने वो वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं वो वाले व्लॉग्स भी देखिएगा, आनंद राव सर्कल की। लिटरली देखो यहाँ पे चिल्लाना पड़ता है बोलते वक्त, आनंद राव सर्कल की तो वाइब भी अलग है। और अगर आपको बस पसंद है ना, दिस प्लेस इज फॉर यू। यहाँ आनंद राव सर्कल और पीछे की तरफ हो गया मैजेस्टिक बस स्टैंड। आपके लिए आज एक और बस जर्नी, दैट इज ऑल्सो वॉल्वो B11R। बड़े लंबे टाइम बाद शुरुआत करें, नहीं देखो आपको स्टाइल बता दो तो वही एक और, मतलब स्लीपर, नॉन AC, AC, वॉल्वो, मर्सिडीज, जो आपको बस चाहिए वो आपको यहाँ आनंद राव पर मिलेगी। चलिए इस वाले धमाकेदार ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। एक हाथ में कैमरा, फ्लैश लाइट और ये वाइब, ये है व्लॉगिंग। और सच में यार आप यहाँ पर लोग देखिए, इतने पैसेंजर्स हैं कि आप गिन नहीं सकते। यहाँ पर ये हाल है, देखो आप अगर आप देखोगे ना वहाँ पर VRL, SRS, ना जाने कितनी बसेज आप यहाँ पर देख सकते हो। बस है 8:30 की, तो थोड़ा बहुत यहाँ टाइम है, तो यहाँ पर बस का इंतज़ार करेंगे। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा, लगेज का ध्यान रखिए। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका लगेज कब गायब हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा। आज मैं जर्नी कर रहा हूँ फ्रॉम बेंगलोर टू नागरकोइल, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट। बस है वॉल्वो B11R, एक और लग्जरियस बस जर्नी आपके लिए। और इतने टाइम बाद आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। आप देखिएगा अभी मर्सिडीज़ का भी ब्लॉग आपके सामने आएगा, प्लस और भी बस जर्नीज। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए। मैं तो बस लवर हूँ, एविएशन लवर, ट्रेन लवर। अगर आप मेरे से पूछो ना, आनंद राव सर्कल पे खड़े होने का मज़ा ही कुछ और है। देखो एक बस ये भी आ रही उस तरफ, अगर आप देखोगे SRS की वहाँ पर आप देख सकते हो बस सी बर्ड की। बाकी जितनी बस जर्नीज मैंने की हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जितने व्लॉग्स आप देखना चाहें आराम से हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन और सारे व्लॉग्स एंजॉय कीजिए। लोगों से बहुत केयरफुल रहिएगा, कोई ड्रंक है आप जानते ही हो ना, बताने की ज़रूरत नहीं। शर्मा ट्रांसपोर्ट की बिल्कुल राइट टाइम, वॉल्वो B11R आ चुकी है 8:30। अन्ना यहाँ से डिपार्ट कर रहे तो टाइम नहीं मिलेगा। लगभग आपको बता दूँ, हाउ आर यू, ऑल गुड? एक सब्सक्राइबर, आई एम सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच सर। बस आई लाइक योर वीडियो सर, थैंक यू सब्सक्राइबर है, थैंक यू सो मच। बस जा रही है, करना मांगते हैं आप डिटेल, रूट बताओ ना। करते सर करते, थैंक यू सो मच। चलिए नागरकोल का डिस्टेंस कुछ अराउंड 700 किलोमीटर, टाइम लगने वाला है 11 से 12 घंटे। अन्ना रेडी, गुड टू गो, रेडी। भाई साहब ये व्लॉगिंग का बहुत सही है, थैंक यू सो मच अन्ना, आपने बस रोका, थैंक यू, हैप्पी जर्नी। क्या घूमने जा रहा है? आनंद राव सर्कल से हमारी बस देखिए अब डिपार्ट हो चुकी है, ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है। चलिए जब तक अपने पास टाइम है आपको इस लग्जरी बस का इंटीरियर और आपको दिखाते हैं। शर्मा ट्रांसपोर्ट की वॉल्वो B11R आप देख सकते हो, ये अपर, यहाँ पर आपको TV मिलेगा। अभी क्या जर्नी स्टार्ट हुई है तो आगे सब किया जाएगा, आपको ये पिलो हो गया प्लस आपको ब्लैंकेट दिया जाएगा, सीट्स वगैरह आप देख सकते हो, हेड रेस्ट भी, आई से दिस इज़ ओके। और ये देखोगे तो ये हो गया आपके लिए USB चार्जिंग पॉइंट, स्पेस वगैरह अगर आप देखोगे मेरे हिसाब से दिस इज़ ओके। टोटल पैसेंजर कैपेसिटी इस बस की इट इज़ अराउंड 36। अभी बिल्कुल जर्नी क्या अभी स्टार्ट हुई है तो आप देख सकते हो सीट्स अभी खाली हैं। जैसे जैसे सफ़रनामा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पैसेंजर्स और बोर्ड करेंगे। बट कलर कॉम्बिनेशन आप देखोगे, कर्टेंस आपको दी जा रही हैं, ये हो गया साइड अपर और ये हो गया
साइड लोअर आप देखना चाहें, कर्टेंस देख लीजिए, कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग ओके पूरा। अगर मैं आपको लास्ट तक एक बार इंटीरियर दिखा दूँ, ये बस का इंटीरियर, इतने दिन बाद वॉल्वो में ट्रैवल करके आपको मैं बता नहीं सकता। और जो सीट मैंने ली है वापस, दिस इज़ L25 लोअर 25, आप देख सकते हो मैंने अपना यहाँ बैग रखा है। चार्जिंग पॉइंट अगेन, आपको टीवी स्क्रीन हो गई, पिलो प्लस ब्लैंकेट वगैरह फर्स्ट क्लास, क्लीननेस वगैरह। अन्ना हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, बस अभी शुरुआत हुई है, तो साफ़ सफाई आप देखना चाहें, सब कुछ यहाँ पर एकदम फर्स्ट क्लास। अब देखते हैं जर्नी आगे कैसे चलती है, पूरी जर्नी देखते जाइए, बीच बीच में पूरा रूट हम क्या फॉलो करने वाले हैं आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। रेस्ट के लिए बस कहाँ रुकेगी, डिनर वगैरह सब कुछ आपको बताएंगे। इंटीरियर आपको कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा। सफ़र की शुरुआत की थी कर्नाटका से और अब हम पहुंच चुके हैं तमिलनाडु। आपको लोकल एरिया बता दूं, आई गेस हम हैं कृष्णगिरी। सफ़र की शुरुआत की थी कुछ 8:30, नाउ इट इज़ 11:15 और यहाँ चल रही है एक कड़क कॉफ़ी। और आपको सच बता रहा हूँ, इंटरनेशनल और अपने देश में व्लॉगिंग करने का बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ का सच में बता रहा हूँ, इंडिया की खैर बात ही अलग है। आप यहाँ बस देखो वॉल्वो, वहाँ स्कैनिया भी खड़ी है, और ऑरेंज की आप वहाँ पर अगर देखोगे तो B11R भी देख सकते हो। रात को 11:15 बजे आपको बताइए, मैं तो कुछ खाने वाला हूँ नहीं, इतना लेट अगर डिनर करोगे, बिकॉज आई हैव सीन, मैंने देखा है फिर रात को 2-3 बजे लोग पैसेंजर्स बस को रोकते हैं और वॉमिटिंग करते हैं। तो कोशिश यही कीजिए जितना हल्का खा सके। आप यहाँ बसेस देखिए, इवन प्राइवेट बसेस तो है ही, और आप गवर्नमेंट बसेस भी देख सकते हैं। अन्ना बता रहे थे कुछ 15 से 20 मिनट का हॉल्ट। इस तरफ आप देख लो, ये ढाबा आप कह लो, होटल कह लो, बट कड़क कॉफ़ी मिल जाए बस, ब्लॉगिंग में फिर आता है मज़ा। मेरे को ना ये काम करने में बहुत मज़ा आता है, एकदम अंधेरा और मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके व्लॉगिंग कीजिए। सबसे पहले जो मैंने इस शर्मा टूरिस्ट की वॉल्वो है उसके लिए कितना पे किया है, इस रूट के लिए 1200। ऑनलाइन बुकिंग वगैरह आप सब कुछ कर सकते हो, और पहले करोगे तो प्राइजेज ऊपर नीचे हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बस की अगर आप देखोगे वॉल्वो B11R की ऑन रोड कॉस्टिंग आप मान के चलो अराउंड 1.5 CR। अब बिकॉज B11R है तो इसमें आपको मिलता है देखो, एक बस ये निकलने के लिए तैयार और एक पीछे से आ रही है, यहाँ पर अलर्ट रहना है। और आप यहाँ की वाइब देखिए, आप बसेस अगर मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये देखो लाइन से बसेस खड़ी है। और इस तरफ ये एक और आई, ये आई नॉन एसी सीटर, ठीक है। और उस तरफ आपको मिलेगा जो आप मेन रोड देख रहे हो, दैट इज़ कन्याकुमारी श्रीनगर हाईवे, ये वाली बस यहाँ से डिपार्ट होने के लिए तैयार। एकदम वेदर भी मान लीजिए एकदम हल्का वल्का ठंड टाइप, मतलब अच्छा वेदर है। इस वाली वॉल्वो में दो ड्राइवर अन्ना है, एक तो आप देख लीजिए अन्ना बैठे हैं, एक हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल चाय चल रही है, अभी चाय डिनर के लिए रुका है। हाँ, डिनर के बाद अभी वो चलाएगा, हम रेस्ट लेने जा रहे हैं। अच्छा अन्ना, आपसे जानना चाहेंगे बेंगलोर टू जहाँ हम जा रहे हैं। हाँ। ये रूट क्या है, जरा रूट का बताएंगे थोड़ा बहुत। रूट का नागरकोइल तक, नागरकोइल तक रूट तो नेशनल हाईवे है। हाँ, कन्याकुमारी से काशी तक। हाँ, मगर यह रूट का हाईवे अच्छा है। जैसे आप कृष्णगिरी आए, कृष्णगिरी के आगे अगला क्या आएगा? सेलम आएगा, धर्मपुरी सेलम। हाँ, सेलम के बाद नामक्कल, करूर, डिंडगल। अच्छा, मदुरई, तिरुनेलवेली। और सुबह अन्ना हम जो अभी डेस्टिनेशन है, करीब कितने बजे पहुँचेंगे अंदाज़ा? 8:30। और इस वाली वॉल्वो का एवरेज क्या मिलता है? एवरेज 2.8 मिलता है इसका। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड जाती है
हाईवे पर करीब कितना एवरेज स्पीड? 100 के आसपास, 90 बिटवीन 90-100 टच होता है। तो अभी ये ड्राइवर ना आप रात में ड्यूटी चेंज करने वाले, शिफ्ट चेंज करेंगे, देखते हैं कहाँ चेंज करने वाले। थैंक यू सो मच अन्ना, चाय हो गया सब रेडी? रेडी ना, रेडी। थैंक यू, आप देख लीजिए दूसरे ड्राइवर ना ऑलरेडी तैयार है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ से डिपार्ट होने के लिए तैयार। बट आप ये बसेस देखिए भाई साहब, क्या लगता है ये देखो, एक और आई SRS की नॉन AC सीटर। एक बार फिर से जर्नी की शुरुआत हो चुकी है और अब हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे NH 44 पर। और आपको बता दूं, बिकॉज वॉल्वो है इसमें आपको मिलता है मल्टी एक्सल, तो यहाँ पर आप ये कंफर्ट देखिए। और बिकॉज क्या है, वॉशरूम ऑन बोर्ड है नहीं, तो मैं भी रात को 2-3 जगह बस शायद रुके। अब देखते हैं, ड्राइवर ना भी चेंज होंगे, कोशिश करूँगा अगर मैं वो भी आपको दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर अब मैं सोने वाला हूँ, आराम करेंगे। तो नेशनल हाईवे पर आपको बताइए वॉल्वो क्या चलती है, ठीक है ना। मैं सोच रहा था बस शायद फुल जाएगी, बट अभी भी 2-3 सीट्स खाली हैं, आगे देखेंगे। बट ये ज़रूर है सफ़र अब तक फर्स्ट क्लास चल रहा है। AC कर्टेंस वगैरह आपको मिलती है, प्रिवेसी। और इस वाले रूट पर AC है, नॉन AC है, सीटर, सेमी स्लीपर, जो भी आपकी मर्जी हो आप वो बस ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं मेरी आपसे आगे कहाँ मुलाकात होती है। फ़िलहाल के लिए गुड नाइट। सुबह के बज रहे हैं 5, हम पहुँचे हैं करंट लोकेशन आपको बता दूँ, परियार बस स्टैंड। अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारी वॉल्वो, पीछे ड्राइवर ना अब यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, प्लस चाय कॉफ़ी जो चल रही है। क्या एकदम कंफर्टेबल जर्नी चल रही है। और सुबह 5 बजे अगर आप देखो, बाय एनी चांस अगर यहाँ से कोई ये व्लॉग देख रहा है ज़रा कमेंट करके बताइएगा। और चेहरे की हालत देखिए, सब पैसेंजर सो रहे हैं और पूरी तरह से बस फुल। अभी यहाँ से नागरकोइल आई गेस 3-3.5 घंटे की जर्नी, और नॉट श्योर, लेट्स सी। और क्या वॉल्वो एकदम स्पीड में जाती है। तो देखो सुबह सुबह चाय कॉफ़ी जो आप लेना चाहें कहना पड़ेगा। ये मानिए ये भी एक अलग ही दुनिया है आपके सामने, बैक टू बैक बस जर्नी। जब देखिएगा आने वाली 3-4 नाइट्स में बस में ही स्पेंड करने का। ये लोकल जगह, लोकल परियार बस स्टेशन, परियार बस स्टेशन। हाँ। यहाँ से नागरकोइल कितना किलोमीटर? इधर है नागरकोइल का, इधर है हाँ ना, नागरकोइल कितना किलोमीटर? इधर है 170 किलोमीटर। 170 किलोमीटर, और कितना टाइम लगता इधर बस का ना? इधर थ्री आवर्स कल शुरुआत की थी 8:30, नाउ इट इज़ 8:45। मैं कहूँगा ऑलमोस्ट राइट टाइम, मैं पहुँच चुका हूँ नागरकोइल। आप देख लीजिए ये रहा बस स्टैंड, मैं यहाँ पर आया हूँ पहली बार यहाँ से कन्याकुमारी, बता रहे हैं हार्डली 20 किलोमीटर्स, देखेंगे अगर चक्कर लगेगा। जब तक आप ये वाला व्लॉग देख रहे हो मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी कहीं और हूँ, आपसे कहना बैक टू बैक ट्रैवल।
और सफ़र करके मज़ा आ गया, सबसे अच्छी बात है फिलहाल वेदर बहुत अच्छा। ठीक है, सो दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज, 700 किलोमीटर्स का जर्नी हमारी यहीं होती है ख़त्म। होटल वगैरह देखेंगे, कुछ भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं है, सब इंस्टेंट, ये है सोलो ट्रैवल लाइफ। तो फिलहाल तो सब ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, पहले कॉफ़ी चाहिए, ब्रेकफास्ट, फिर देखेंगे। बस मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। टाटा एंड टेक केयर।